वेलकम टू एमी क्रेजी डॉट कॉम। मेरा नाम है अमृता। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ में अमेजिंग टिप शेयर करने वाली हूँ जो आपके बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, उससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज मेरे चैनल पे आपको मिलते रहते हैं, वो भी रोज। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज मैं आपके साथ में ऐसा मैजिकल वाटर बनाने की रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जो आपकी स्किन को ना सिर्फ ग्लोइंग बनाएगी, साथ ही आपकी स्किन को स्पॉटलेस भी बनाएगी। इस रेमेडी को बना करके आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं, और जब भी आपको लगे कि आपका चेहरा टायर्ड लग रहा है या बहुत ज़्यादा आपको पसीना आ रहा है तो इस रेमेडी को आप अपने फेस पे तुरंत ही स्प्रे कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इस मैजिकल टोनर को बनाने के लिए किन इन्ग्रीडियंट्स की हमें ज़रूरत लगने वाली है। तो सबसे पहला इन्ग्रीडियंट जो मैंने यहाँ पर लिया है वो है गुलाब जल यानी कि रोज़ वाटर। इस मैजिकल टोनर को मैं डायरेक्टली स्प्रे बॉटल में ही बना रही हूँ। रोज़ वाटर क्या करता है? रोज़ वाटर आपकी स्किन को मुलायम और हाइड्रेट रखने का काम करता है, साथ ही आपकी स्किन में निखार लाता है। इसमें वाइटनिंग गुण होते हैं जो कि आपकी रंगत को निखारने का काम करती है। इस रेमेडी को बनाना बहुत ही आसान है, साथ ही बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है। आप इस रेमेडी को ठंडी के मौसम में, गर्मी के मौसम में, बारिश के मौसम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो अगला इंग्रेडिएंट मैं ले रही हूँ वो है कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल। ये हम सभी के घर में इजीली अवेलेबल होता ही है, और क्योंकि ये सबके पास होता है इसीलिए मैं इस वीडियो में कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो आपके पास अगर है तो वर्जिन कोकोनट ऑयल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो करीब आधा छोटा चम्मच मैं कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। कोकोनट ऑयल जो है हमारी स्किन पर जो ड्राइनेस होती है उससे निजात दिलाता है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट हम इसमें मिलाएंगे वो है नींबू का रस। तो कुछ बूंदे नींबू के रस की इसमें आप जरूर डालें। नींबू का रस आपकी त्वचा की रंगत को निखारने का काम करता है, साथ ही ढीली पड़ गई जो त्वचा होती है उसे भी टाइट बनाने का ये काम करता है। दोस्तों इस मैजिकल वाटर का, मैजिकल टोनर का यदि आप रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं तो आपकी त्वचा में झुर्रियाँ आने नहीं पाती है समय से पहले, रिंकल्स को, फाइन लाइंस को भी दूर रखने की ये ताकत रखता है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट हम इसे मिलाएंगे वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे बालों के लिए, हमारे स्किन के लिए किसी वरदान से ये कम नहीं है। एलोवेरा जेल में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होता है जो कि हमारे स्किन के लिए बेहद ही फायदेमंद माना जाता है। एलोवेरा जेल आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, साथ ही आपकी स्किन को बेदाग खूबसूरत बनाने की ताकत रखता है, साथ ही आपकी स्किन को ग्रीजी होने नहीं देता है। अब इस बॉटल को आप अच्छी तरीके से शेक कर लें ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स जो है आपस में अच्छे से मिल जाए। दोस्तों इस रेमेडी को बनाने के बाद आप इसे अपने पर्स में भी रख सकते हैं। इस टोनर को आप हर सीजन में, किसी भी सीजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टोनर को यदि आप नियमित इस्तेमाल करते हैं तो आपके चेहरे पर जो पिंपल्स के दाग धब्बे निशान हो जाते हैं वो भी जड़ से खत्म हो जाएंगे, और साथ ही साथ आपके चेहरे की खोई हुई चमक भी लौट आएगी। आपकी स्किन टाइप चाहे जो हो, कॉम्बिनेशन ऑयली, ड्राई, जो भी स्किन टाइप हो, आप इस टोनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में तो आप इसे कभी भी लगा सकते हैं लेकिन रात में सोने से पहले इसे लगाना आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। दोस्तों ये रेमेडी जितनी ज्यादा सिंपल है उतनी ज्यादा ये गजब की है। आप चाहे तो इस तरीके से अपने फेस पे इसे स्प्रे करके छोड़ सकते हैं, या फिर हल्के हल्के हाथों से कुछ सेकंड्स के बाद आप हल्के हल्के हाथों से मसाज करें। इससे क्या होगा कि जो भी इंग्रेडिएंट्स के पोषक तत्व हैं ये हमारे स्किन के अंदर तक जा सकेंगे। दोस्तों ये रेमेडी बहुत ही गजब की है, आपकी स्किन की सुंदरता को बढ़ाने का ये काम करती है, आपकी स्किन टोन को लाइटन करती है, आपकी स्किन टोन को ब्राइटन भी करती है। इस रेमेडी को आप चाहे दिन में कितनी भी बार लगाएं लेकिन रात में सोने से पहले आप इसे लगाना बिल्कुल ना भूलें। इससे आपको गजब का रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप देखेंगे कि आपकी स्किन आपको बहुत ही ज़्यादा फ्रेश और ग्लोइंग नज़र आएगी। दोस्तों इस टोनर को आप अपने फेस पे तो लगाएं ही, साथ ही साथ अपनी गर्दन पे इसे लगाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप यदि अपने फेस की जो स्किन टोन है, गर्दन की स्किन टोन है वो इवन रखना चाहते हैं तो दोनों पर भी इसे अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। वरना क्या होता है कि धीरे धीरे करके आपकी गर्दन की जो एरिया है, गर्दन की जो स्किन है वो काली पड़ने लगती है। दोस्तों इस गज़ब के टोनर को आप ज़रूर बनाएं, साथ ही मुझे कॉमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें कि आपको मेरी रेमेडी कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, ताकि आपके जरिए उनकी भी मदद हो जाए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करेंगे तो सारी नोटिफिकेशन मेरी वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।